नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ बैठे सिद्धार्थ आनंद, ऋतिक रोशन एंड कटरीना कैफ। सो ऋतिक, मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले, जब ये आखिरी बार हम मिले थे तो बड़े बाल होते, आज आप बाल कटवा उठा के आए कुछ क्या? मुझे लग रहा है बिल्कुल एक लुक फिल्म के लिए या इंटरव्यूज के लिए है। सब कट चुका है इस फिल्म के दौरान। मेरे स्कल में कट है, घुटनों में कट है, बाल भी कट चुके हैं। ये मतलब मुझे लगा कुछ पोनीटेल बनाया पीछे है बाल। अच्छा, वो सारे बाल उन्होंने उठा के पीछे पोनीटेल बना लिया। बैलेंस है इनके बाल और मेरे बाल का बैलेंस है। ओके सिद्धार्थ, आपसे शुरू करते हैं, बाल की तो बात हो गई। ये मुझे बताइए कि फिल्म नाइट एंड डे का रीमेक है, सो जब आप किसी फिल्म का रीमेक बनाते हैं तो आपको लगता है कि एक फिल्म, हॉलीवुड फिल्म जिसके रीमेक के राइट्स खरीदे गए, फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? बढ़ जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे कटरीना ने 2 महीने पहले एक बात बोली थी, पता नहीं क्यों बहुत लेट बोली थी, अच्छा है बहुत लेट बोली थी, कि जब मैं उनके पास गया था इस फिल्म के साथ तो वो सोच रहे थे सिद्धार्थ इतनी डिफिकल्ट फिल्म क्यों बनाना चाहता है। तो मैंने इनसे पूछा कि व्हाट यू मीन डिफिकल्ट, तो उन्होंने बोला कि एक हॉलीवुड फिल्म विच इज ऑलरेडी गॉट स्केल, उसको आप कैसे मैच करेंगे। नॉर्मली लोग एक साउथ फिल्म लेते हैं, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था हम दोनों में, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ऐसी फिल्म आप ले रहे हो जो ऑलरेडी एक विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा है, क्या कर रहे हो आप, तो आप इसको रिक्रिएट कैसे करोगे जब आपके पास बजट इतना सा होगा, 1/20th ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म बजट, एंड यू आर गोइंग टू मेक अ बिग बिग एक्शन हॉलीवुड फिल्म। He's gone and taken the biggest action film, जिसमें वो 5 or 6 lot of big action sequences are there. That and is then why he said, "I want to remake it." That is why we needed her in the film. Scale would come automatically. Wow, ये तो बहुत बड़ा compliment दे दिया आपने। Yeah. कि कटरीना के आने से already scale बहुत बढ़ गया। सच्चाई है? I think he means literally, हाँ? No. नहीं। हाँ सिद्धार्थ आप बोल रहे हैं। सच्चाई दूर नहीं, छुप नहीं सकती। आप बोल रहे हैं। तो सवाल क्या था? प्रेशर बहुत, प्रेशर जी, प्रेशर आई थिंक, अगर आप प्रेशर इज गुड, प्रेशर आई थिंक हर आदमी प्रेशर होता है। अगर रमेश इतना प्रेशर था कि ये इंसान, ही इज नॉट नो मोर मेड ऑफ कार्बन, ही इज मेड ऑफ डायमंड, डायमंड हो गए हैं, अंडर प्रेशर हो गया, वो डायमंड हो गया, हट चुका है। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड ही इज अलाइव। आई थॉट ही इज गोना हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन एट सम पॉइंट। आई थॉट समवन वाज गोना हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन एट वन पॉइंट in this film, either him or her. Siddharth ya Ritik ya main to gaane ga raha tha, main to bare necessities, he thinks he was singing songs. Okay. He didn't know he was singing songs. नहीं, बट इतना बड़ा स्केल पे फिल्म, जब आपको फिल्म लेके सिद्धार्थ आए, सो आपको कहीं से नहीं लगा ऋतिक कि नाइट एंड डे का ये रीमेक है और मैच कर पाएंगे? जैसा मैं कुछ सुन रहा था कि आपने कुछ सेकंड्स में डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी है। 5 सेकंड करेक्ट, 5 seconds. I have noted it. Comparisons तो होती रहेंगी। I'm not really, you know, when you are inspired about something, when you want to do something, you can see yourself in it. Then it doesn't matter how the other person has interpreted the same thing. I'm going to do it my way. Sid is going to do it his way. And of course, Katrina Kaif, only does it her way. तो इसकी जो identity है, it had to be new. It had to be something refreshing because it was us. And we are refreshing people. The general storyline may be similar, but the content of the scenes, especially between Rajveer and my character, is very different than Night and Day. Se bilkul milti julti nahi hai ye. And Sid has just made an expression which says that, are you mad? It's exactly the same. So I'm confused. If you did not know that it's a remake of Night and Day, you would never know that. That it's inspired from that film. अगर नाइट एंड डे नहीं है तो पैसे खर्च करके रीमेक के राइट्स क्यों लिए यार? थोड़ी अभी नो, बिकॉज़ आई थिंक ही हैज़ डन अ वेरी करेक्ट थिंग। ही वांटेड द जर्म, या ही वांटेड द जर्म एंड ही डिड इट द राइट वे, दैट्स फेयर। इट्स नॉट, वेरी ऑनेस्ट मैन। इट्स नॉट गुड टू स्टील, इट्स नॉट ऑनेस्ट मैन है वो। एज एन एक्टर सब जानते हैं ऋतिक को, हर तरह के जानते हैं कि आप गुजारिश भी कर सकते हैं, आप धूम भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। इट्स फिशिंग फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। ऐसे करना चाहिए। अच्छा, ऋतिक इज अ बैड एक्टर, ठीक है? नहीं, वो कोई मानेगा नहीं। वो भी तो नहीं मान रहे यार, क्या बोलूं बताओ। I'm only as good as the director's vision, honestly. That's not true. I think Ritik अपना होमवर्क करेक्ट करते हैं। I think वो जब आते हैं वो शायद सेट पे दिखाई नहीं कि मेहनत कर रहे हैं। एटलीस्ट इस फिल्म में दिखाते नहीं थे, करते थे। So, I think that's the case. But ये फिल्म आपको, आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी रही, क्योंकि इतना सारा आपको टेंशन झेलना पड़ा, आपको सर्जरी हुआ और
पर्सनल फिजिकल दोनों तरफ से. सो आपको क्या लगता है कि ये फेज बहुत मुश्किल था इस फिल्म के दौरान? ऊपर से मुश्किलें तो सभी की लाइफ में आती हैं जी. व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? यू हैव टू जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू. सो आई जस्ट डिड व्हाट आई हैड टू डू. आई हैड ड्यूटीज, आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैड फ्रेंड्स हु आर काउंटिंग ऑन मी. आई जस्ट हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू. वो जो वक्त था, जो लम्हा था जब आपका सर्जरी हुआ, आपको रेस्ट करना पड़ा, क्या ख्याल आपको आता था कि यार आई एम वेस्टिंग माय टाइम हियर? और क्योंकि करना तो पड़ता है, आपको क्योंकि सर्जरी हुआ तो आपको इन द रेस्ट करना पड़ता. योर माइंड प्लेज गेम्स विद यू, योर माइंड प्लेज गेम्स. व्हेन क्या थॉट्स होते थे? हां, किस तरह के थॉट्स? थॉट्स वर मोस्टली, इट स्टार्टेड विद नेगेटिव थॉट्स ऑफ कोर्स, के व्हाट विल हैपन, व्हाट इफ इट डज नॉट हील. गो. So all these kind of bad questions will lead to bad answers. So then I stopped asking them. Uske baad I started asking good questions. So what can I do? What is, how can I make my days better? How can I feel good? So I focused on good things, and slowly, day by day, little by little, you know, one drop in the ocean, I resurrected myself. I got back. And that is what life is about. ये सवाल आप दोनों से है. ठीक होने के बाद ये सेट पे गए और मैंने सुना भी, पढ़ा भी कि ये जो भी स्टंट्स किए थे उन्होंने, इनको सब कहा ये बकवास है, मुझे दोबारा करना है, मुझे बॉडी डबल नहीं चाहिए. सो सिद्धार्थ, आपको एज ए डायरेक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार एक एक्टर है जो ऑलरेडी एक पेन से गुजरा है और आप इनकी जिद के सामने झुक गए. ही वॉज द मोस्ट कंसर्न. मतलब मैं अगर दो फुट का भी जंप था ना, नहीं 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 आओ कहो हाने से मार, उसको हाने से करो. अरे सिड, मैं यहाँ से वहाँ तक जंप मार रहा हूँ यार. नो नहीं 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 नो नो. सो आई टू फाइट विद हिम. इट्स लाइक नहीं, इनको कंट्रोल करना पड़ता है एक्चुअली. मुझे अगर मैंने इनको कंट्रोल किया होता फ्लाई बोर्ड में तो शायद सर्जरी नहीं होती, वो अलग बात है. बट उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की, बट इनको तो कोई कंट्रोल, मतलब वर्ड ही नहीं है कोई. आई थिंक लिमिट्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है. नो, बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल. आई एम नॉट स्टूपिड. मतलब इट्स बॉर्डरलाइन, आप मुझसे पूरा बॉर्डरलाइन. आप जो चाहो सोच लो, करना है आप जो भी प्रेप कर लो, बॉडी डबल से रेडी रखो, स्टैंड बाय रखो, वेस्ट है. इनको खुद बोलो क्योंकि अगर करने नहीं देंगे. अगर मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, देन आई कैन डू इट. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक स्टंट जो है, जो टीवी प्रोमोज में भी जो आता है कि वो एक वो तो इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, डिजास्टर हो गया. उसके बाद हम रिज्यूम कर रहे हैं शूटिंग 6 महीने बाद शिमला में. हम लोग रूफ टॉप पे हैं और एक मकाम है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शिमला, प्रोबेबली माय स्केरीएस्ट स्टंट आई हैव डन. एक बिल्डिंग बनी हुई है, हाईएस्ट पॉइंट, लिवेबल पॉइंट है. उसके रूफ टॉप पे हमने एक स्टंट किया जहाँ पर ही हैज टू जंप ऑफ. तो वो और नीचे कुछ नहीं है. नीचे कुछ नहीं, बिल्डिंग है और नीचे कुछ नहीं है, मतलब सीधे वादी है नीचे. अच्छा, तो उसके लिए हमने सीक्वेंस सोचा और हम लोग क्रेन ला के बॉडी डबल को हम लोग कर चुके थे. तो वहां पहुंचे, क्या किया तुम लोगों ने? मैं कर चुके हैं. तो उन्होंने खुद हार्नेस पहना, बोला आई एम, और नीचे गए, देखा. मैं तो मतलब मैं खुद एक्चुअली हाइट से डरता हूँ. इट्स एक्सप्रेशन फॉर द माइंड. तो वहां पर जाके ना, ये क्या हो रहा है, दिस इज फुल सुसाइड. वो कॉन्फिडेंटली आए, हाँ चलो डन, ये क्रेन, ही चेक द वायर केबल, पहना जैसे कि बच्चे घर में करते हैं ना, अपने बंक बेड से जंप करते हैं. एंड गए यार, जंप जंप. ओ मैं ऐसे बोल भी नहीं पाया. तो ये है, दिस इज आफ्टर द सर्जरी एंड यू कैन सी द शॉट इन द ट्रेलर्स नाउ व्हेन ही जंप्स ऑफ द रूफ. तो बाउंड्री, सीमा, पागलपन, इट्स ऑल वन. आई फेल्ट गुड, बट कौन सा गेम? इतने गेम्स खेलने के बाद अब कौन सा गेम? अब कौन सा गेम? पूरी पिक्चर में तो व्हिच गेम यू वांट टू प्ले? We were doing film quiz, but then we had a problem because you wanted to do Hindi film, I wanted to do English film, Hindi and then film who was going? Hai? And then, who, and then who was going to ask the questions? Hindi film show. Which is Hindi film? So that I'm high. I just sit out right away. Bhagwan Dada ke director kaun the? I don't know. First dancing the actor kaun tha? Mithun. Huh? No. Okay, stop this quiz right now. I'm gonna. Rishi Kapoor is not a dancing star. Bhagwan Dada, apne naam liya sir. Haan, correct. He was the first dancing star. I'm talking about Bhagwan Dada, the movie. Haan. And I'm talking about the actor Bhagwan Dada. Aur meri pehli film ka naam kya tha? Pehli film ka naam kya tha? Kaho na pyar hai. Ye sochne ke baad. Aakhri film ka naam kya tha? Krish. Krish nahi, Krish 3. No, that's not nonsense. Krish 3, yeah, you know what I mean. Achha, Katrina ki last film ka naam kya? No, that's a good one. Katrina ki last film to... Give me a minute.
कौन सी थी यार? We were discussing that song. इतनी फिल्म्स की हैं. By the way, she is my senior now because she has done 10 times the kind of the amount of films I have done. More experience, so I take advice from her. आपने अवॉइड कर दिया क्वेश्चन ना? It's because he doesn't know. He genuinely doesn't know what to do. Last film कौन सी थी? राजनीति. No. आप पागल हैं राजनीति? Sit. Don't tell him. अग्निपथ के बाद क्या आई थी? कौन सी यार? एक सेकंड. आप. Do you also remember or not? You've done so many films. Do you even remember? Partner. थोड़ा wait कीजिए. Partner. कोई बात नहीं. बहुत time है. धूम धूम यार. धूम थ्री. धूम थ्री. चले मैं आप एक दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ. कटरीना के बारे में. He's your fan. Yeah. So Katrina का best favorite food जो है, favorite food कौन सा है? अरे he doesn't know anything about that. Yeah, he doesn't know my last releases. How will he know what my favorite food is? आपके साथ इतने दिन बिताए हैं लोग. जो इनका खाना वही favorite food है. हाँ, my favorite food is whatever you're eating. Yeah, इनका favorite food है जो आजू-बाजू उनके जो खा रहे हैं ना लोग, वो उनका favorite food बन जाता है. ऐसा कैसे हो सकता है? अपना figure maintain करना. इसीलिए तो वो खुद कुछ नहीं लेके आती हैं अपने साथ में. Because if she gets her own food, she'll get fat. So she doesn't get her own food. My health food, which I have little bit portions of. वो बड़े प्यार से बोलती है जरा दिखा ना. कैन आई ट्राई सम एंड फड़ा. कैन आई ट्राई सम नॉट लाइक दिस. कैन आई ट्राई सम प्लीज. ओके. और ऋतिक का हेल्थी फूड? डाइट फूड? नो. इट्स नॉट माय फेवरेट फूड. कम ऑन. बट फेवरेट मींस फेवरेट एक्चुअली व्हाट इट वुड बी आई डोंट नो बट व्हाट ही इज ऑलवेज ईटिंग इज हेल्थी फूड. So you know if he's eating something, it's the right thing to eat. So I've actually learned a lot about eating correctly. She has sent her cooks to my house. I've and taken a lot still of still eating my food. Okay, aur aisa koi cheez jo jis point pe Ritik irritate ho jate ho? Yes, there's a very good one. So in songs I feel that my hair should fly. Right? Okay. You every song you see a girl's hair is flying. No? Yeah, and yeah, get back to the films hair. And all that. So if the fan is, it's, sometimes there's a little bit of a fight over the fan. That's the only problem. It's in his way. They can't share fans. Yeah, we can't share fans. Fans. And Katrina. कब irritate होती है? जब fan उनको ठीक तरह से लगता नहीं है. Correct. वो जो दो बात पंखे पे ही अटकी हुई है. Same fan same. एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा. इसी दिन दूसरी फिल्म भी आ रही है हैदर जी. और हालांकि दोनों अलग जॉनर हैं फिल्म के, बट आप कहीं कोशिश की गई थी कि डेट्स आगे पीछे हो जाएं दोनों एक साथ ना रिलीज हो? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक बहुत जगह है फिल्मों के लिए, बहुत सिनेमाज हैं, ऑडियंस बहुत कम है. दैट्स ओनली थिंग. एंड अक्सर स्क्रीन्स के लिए फाइट होती है. 2 अक्टूबर विल बी एन एग्जांपल सेट इन टाइम वेयर टू फिल्म्स कैन डू एक्सट्रीमली वेल. Very good. Together. This won't be the first time in history because there are many examples where two films have done well. Really, I know, but it sounds better when you say Achha, first time. It sounds better. So yeah. So all the best. Thank you. Films ke liye. Thank you. Aapki film. Thank you. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang bang.